नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल 12th बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं और 12th बोर्ड की वो एग्ज़ाम देंगे मार्च मंथ में, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद जो कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना स्ट्रीम कॉमर्स सिलेक्ट किया 11th 12th में, तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद वो सभी लोग अप्लाई करना चाहते हैं BCom के कोर्स के लिए और BBA के कोर्स के लिए इन MS यूनिवर्सिटी वडोदरा। तो MS यूनिवर्सिटी में BCom का कोर्स और BBA का जो कोर्स होता है उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है और एडमिशन क्राइटेरिया है वो क्या होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि BCom के कोर्स के लिए और BBA के कोर्स के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे BCom की। तो BCom में एडमिशन लेने के लिए आपके जो 12th बोर्ड के जो परसेंटेज होते हैं रिजल्ट के उसको ध्यान में रखा जाता है। 12th बोर्ड के परसेंटेज पर आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड होता है। और रही बात BBA की, तो BBA के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, BBA का जो कोर्स है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है MS यूनिवर्सिटी के द्वारा। और BBA डिपार्टमेंट में सिर्फ 200 सीट है, यानी कि 200 सीट है। और रही बात करें हम BCom की, तो जनरली एवरी ईयर BCom में हर साल लगभग 6,000 से 7,000 एडमिशन दिए जाते हैं सभी स्टूडेंट्स को जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। सभी को तो नहीं दिए जाता है, लेकिन 6,000 से 7,000 जो मिनिमम नंबर है उनको एडमिशन दिया जाता है। और 6,000 से 7,000 में एक परसेंटेज क्राइटेरिया नक्की होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है। और सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है अदर स्टेट, यानी कि गुजरात स्टेट के बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं, और वडोदरा सिटी और डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। और सभी का जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड किया जाता है। ये सिर्फ जो होता है वो BCom के लिए होता है। और BBA की बात करें तो BBA के अंदर 200 सीट होती है, यानी कि पूरी जो सीट है वो 200 है। और 200 के लिए लगभग 2,000 से 2,500 जो स्टूडेंट होते हैं जो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो लोग एप्लीकेशन करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वो 2,000 और 2,500 में से सिर्फ 200 ही स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो होता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के BBA डिपार्टमेंट में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये BCom के और BBA के एडमिशन के प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन थी। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो जैसे ही आपका 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा गुजरात बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा या फिर अदर स्टेट में स्टेट बोर्ड के द्वारा, तब MSU में जो BCom और BBA के एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट किए जाएंगे। और इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे द्वारा मेरे इंस्टाग्राम पेज FR पंकज जायसवाल, पेज का नाम है इंस्टाग्राम पेज पर FR पंकज जायसवाल, वहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने लोग भी और जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं BBA और BCom के एडमिशन प्रोसेस की इन MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, MSU बड़ौदा, तो अगर आपको और भी अपडेट चाहिए और भी कोर्स के लिए और भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग MS यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके द्वारा उसके लिए एक ग्रुप क्रिएट किया गया है। और उस ग्रुप की जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को ओपन करो और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद सभी एडमिशन की डिटेल, एडमिशन क्राइटेरिया, कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, ड्यू डेट, आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मेरे और मेरे टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। नमस्कार।